दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल पे से बिजली का बिल कैसे जमा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे से अपने बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में अपने गूगल पे से बिजली का बिल जमा करके दिखाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही नॉलेजबल वीडियोस देखने के लिए हमारे टेक्निकल सीव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कैसे गूगल पे से बिजली का बिल जमा करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल पे ओपन करना है। मैंने यहाँ पे अपना गूगल पे ओपन कर लिया है। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे न्यू पेमेंट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे बिल पेमेंट पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे बिल पेमेंट पर क्लिक किया। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आप जिस कंपनी की बिजली यूज़ करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ढूंढ लीजिए। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। आप जिस भी राज्य से रहते हैं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सर्च कीजिए और वहाँ पर जितने भी बिजली की कंपनी होंगी वहाँ पर उसके नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश लिखूँगा, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जितनी भी बिजली की कंपनी होंगी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे अपना मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपना जो है अपना बिजली की कंपनी सिलेक्ट कर लिया है, आपको भी ऐसे ही सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे अकाउंट नेम डालना है। आपके बिजली के बिल में जो भी आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा वो नंबर डालना है और यहाँ पे नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और नाम डाल देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने बिजली का अकाउंट नंबर और यहाँ पे नाम डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे लिंक अकाउंट पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे लिंक अकाउंट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल दिखाएगा, आपका नाम और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे लिंक अकाउंट पर फिर से क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे फिर से लिंक अकाउंट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जितना भी बिजली का बिल बकाया होगा यहाँ पर आपका दिखा देगा। यहाँ पर देखिए मेरा 8219 रुपये बाकी है, यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको अगर अपना यहाँ पे बिजली का बिल जमा करना है तो आपको यहाँ पे बिल पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे बिल पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट दिखाई देगा। जो भी बैंक अकाउंट आपके गूगल पे अकाउंट में लिंक है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखाई देगा और यहाँ पे का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है UPI पिन मांगेगा। आपको यहाँ पर अपना UPI पिन डाल देना है। आपने जब भी अपना बैंक अकाउंट अपने गूगल पे अकाउंट में लिंक किया था तो वहाँ पे UPI पिन बनाने का ऑप्शन आया था, वही UPI पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क पर क्लिक करना है। चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से आपका जो है ये पैसा कट जाएगा और आपका बिजली का बिल जमा हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस बता दिया है। आप इसी प्रकार से अपने गूगल पे से बिजली का बिल जमा कर सकते हैं।